उदयपुर भिंडर स्टेट मेगा हाईवे की धारता रोड पर एक बिजली का खंभा कभी भी बड़े हादसे का रूप ले सकता है। पिछले एक साल से यह खंभा इसी हालत में है। स्थानीय लोगों द्वारा इसको दुरुस्त करने के लिए कई बार बिजली विभाग को अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुध लेने नहीं आया है। क्षतिग्रस्त हो चुका यह खंभा इस तरह झुका हुआ है कि कभी भी यह गिर सकता है। इस खंभे के पास कई सारी दुकानें भी हैं, जहां दिन भर में सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा रहता है। यही नहीं, इस खंभे के ऊपर से हाई टेंशन लाइन भी गुजर रही है। ऐसे में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हादसे को न्योता देना, यह खंभा अगर गिरता है तो जनहानि होने की पूरी संभावना है। बावजूद इसके बिजली विभाग एक साल से मौत की तरह खड़े इस खंभे को देखकर भी अनदेखा कर रहा है, जिससे आमजन में आक्रोश भी है। दरियाबंद के बीच भिंडरा कस्बा है, उसके पास में हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पास में धारता रोड के पास में दो तीन वर्षों से खंभा झुका हुआ पड़ा हुआ है, और कभी भी बारिश में वगैरह आए तो कभी भी हादसा हो सकता है, जिसको सूचना प्रशासन को पहले दे दी गई है, परंतु उसका कोई वापस जवाब आया। और हाई टेंशन लाइन हाई टेंशन की लाइन ऊपर कभी भी हादसा हो सकता है, तो उसके जनमाल के हानि हो सकता है। विद्युत विभाग से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस खंभे को हटाया जाए या नई लाइन डालकर उसका समाधान किया। विधायक प्रदेश कांग्रेस महासचिव गजेंद्र सिंह शक्तावत आज पाणून पंचायत के भिखावनिया में विधायक के बाद प्रथम आगमन पर फूल